नगर निगम शिमला चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में हुए बदलाव के बाद डॉक्टर राजीव बिंदल ने सोमवार को हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाली। पार्टी कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने राजीव बिंदल का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद सुरेश कश्यप, पूर्व मंत्री व विधायक मौजूद रहे। डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने पर हाईकमान का आभार व्यक्त किया और कहा कि चुनावी लड़ाई के बीच कोई कमांडर नहीं बदला गया है। नगर निगम शिमला चुनाव में निवर्तमान अध्यक्ष सुरेश कश्यप और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कमांड करेंगे और 7 वार्डो का जिम्मा उनको सौंपा गया है, जिसमें वह उनका सहयोग करेंगे। इसके साथ ही राजीव बिंदल ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनावों में भाजपा को प्रदेश में जीत दिलाने के लिए सभी के सहयोग से आगे बढ़ा जाएगा और केंद्र व प्रदेश की जयराम सरकार की 5 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच में ले जाया जाएगा और कांग्रेस सरकार की नाकामियों को जनता के बीच उजागर किया जाएगा। शिमला कॉरपोरेशन के चुनाव की समस्त रचनाएं आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी और आदरणीय सुरेश कश्यप जी के मार्गदर्शन में पूरी तरह से बन चुकी हैं। आदरणीय चौधरी सुखराम जी हमारे छोटे भाई, वो प्रभारी के नाते कार्य को संभाल रहे हैं और केंद्र से विशेष रूप से श्रीकांत शर्मा जी प्रभारी के नाते इस काम को संभाल रहे हैं और यही टीम इस सारे कार्य को संभालेगी। मुझे जो दायित्व दिया गया था 7 वार्डों का, उस कार्य को मैं करने में इनके साथ सहयोगी की भूमिका निभाऊंगा। 2024 के लिए हम पूरी तरह से सज्ज होंगे, पूरी तरह से तैयार होंगे और एक एक स्थान पर जाकर के केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी सरकार की उपलब्धियां, हमारी जयराम ठाकुर सरकार की उपलब्धियां पहुंचाते हुए वर्तमान सरकार के द्वारा जो नकारात्मक दृष्टिकोण है उसको उजागृत करते हुए 2024 को पुनः 19 की तरह से विजयश्री की ओर लेकर के जाने के लिए मिलकर के काम करेंगे। न्यूज डेस्क ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।